चंद्रताल लेक से आज हम निकलने वाले हैं मनाली के लिए। तो आप लोगों ने जो अगर पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, चंद्रताल लेक का। चलते हैं फिर। तो भैया जी निकल चुके हैं चंद्रताल लेक से, बट आज इतनी खुशी लग रही है हमें मनाली जाने की, साथ के साथ रास्ता देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्यों, रास्ता आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग है, वाटर क्रॉसिंग है और आगे कुछ झरने भी हमें मिलने वाले हैं। और जो रास्ता है हमारा 65 से 70 किलोमीटर के आसपास का, उसके अंदर जो 50 किलोमीटर के आसपास जो रास्ता है वो हमें ऑफ रोडिंग मिलने वाला है। तो रास्ता आज का बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो काफ़ी देर हो गई है राइड करते वक्त, तो अभी देखते हैं कहीं कुछ अच्छा सी जगह मिले, अच्छा सा व्यू हो, वहाँ कुछ देर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट दोस्तों के साथ गपशप मारेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। सामने आप देख सकते हो व्यू क्या खूबसूरत है। और ये देखिए आप, ये खूबसूरत सा झरना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे आगे। बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र, आप देख सकते हैं हमारा खुद का बहुत बुरा हाल हो चुका है इस रास्ते के अंदर, स्पीति टूर के अंदर। आप देख सकते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम दोस्त की बाइक के अंदर, इसलिए बाइक रोकी गई है और हम अब आगे टनल की तरफ जा रहे हैं। और टनल का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्त, यहाँ का यही सोच रहे हैं कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा जाए। और तो यहाँ से दोस्त चल पड़े हैं, दोस्त की बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो रही है। तो अब यहाँ से हम आगे जाकर मनाली के अंदर ही बाइक का कोई मैकेनिक देखेंगे और वहाँ हम इसको बाइक को रिपेयर करवाएंगे। देखा जाए तो यहाँ की जो ऑफ रोडिंग है और सामने जो खूबसूरत सा व्यू है आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें। सामने जैसे आप देख सकते हो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सी बर्फ़। थक चुके हैं वैसे, देखते हैं थोड़ी देर बाद कहीं रुकते हैं कुछ देर के लिए। तो खाने के लिए इस वक्त कुछ निकाल रहे हैं दोस्त, देखते हैं किसके बैग में क्या इस वक्त खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि पीछे चाचा चाची का ढाबा निकल चुका है और हमने वहाँ पे स्टे नहीं लिया था कुछ देर का। और यहाँ से मनाली का भी टाइम काफ़ी लगने वाला है, 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। तो यही है सामने का जो व्यू देख रहे हो आप, पहाड़ों के ऊपर काली काली पहाड़ों पर बर्फ़ की चादरें ढकी हुई है। ये जो रास्ता है सीधा ये मनाली जाने वाला है, इस रोड पे हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, ऑफ रोडिंग है बहुत ज़्यादा। चलो दोस्तों ने कुछ निकाला होगा तो खाते हैं पहले, फिर निकलते हैं। जैसी भी लगी हुई है और सबसे ज़्यादा एडवेंचर रास्ता ये मनाली वाला ही है, तो जल्दी से रास्ता सही हो तो निकलते हैं आगे। इससे रास्ता डैमेज हुआ पड़ा है, काम चल रहा है अभी, रास्ता बना रहे हैं बाइक चलाने के लिए। ऊपर से बहाव तेज है पानी का, तो करके ये देखिए आप, ये हमारे साथी खड़े हैं और आप सभी बीच में साथ में ही हैं। ये हमारे साथी सोनू और ये हम यहीं पीछे खड़े हैं और ये काम चल रहा है, थोड़ी देर में ये सही होता है, हमें अभी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ से निकले तो यहाँ का रास्ता आप देख सकते हो, पत्थर ही पत्थर है, बड़े बड़े मोटे मोटे। खूबसूरत सा ब्रिज आया है, उस पर चढ़ते हैं, पानी देख सकते हो, ब्रिज बहुत खूबसूरत है। एक तरफ आप देख सकते हो नदी का पानी चल रहा है, दूसरी तरफ हम इस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से निकल चुके हैं हम मनाली के लिए। रास्ता बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा, इन पानियों के अंदर से बाइक चलाने में ना मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। पत्थर देख सकते हैं आप, उनके बीच में पानी और बाइक एकदम से निकालते ना शुरानी आवाज़ आती है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है हमें। खुश है हम कि हमने स्पीति राइड की है, ज़्यादातर लोग इस वक्त लद्दाख के अंदर है बट हमने स्पीति चूज़ की। उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे तमाम राइडर्स का, तमाम साथियों का जो इस वक्त मेरे साथ इस स्पीति वैली राइड के अंदर पहुँचे हैं।
रास्ता देखिए आप, वो सामने नदी, नदी के साथ साथ रास्ता, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इस वक्त। यहाँ से हमारा ब्रिज आ चुका है। ब्रिज बहुत खूबसूरत है, लंबा है, बट इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है बाइक ट्रैवल करते वक्त, ये बहुत ज़्यादा शोर का है। तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा हमें, उसके बाद हाईवे आने वाला है, तो मैं आपसे मिलता हूँ हाईवे के ऊपर। तो पहुँच चुके हैं एक साफ सी खूबसूरत सी रोड के ऊपर। काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा ऑफ रोडिंग का। आज ऑफ रोडिंग का लंबा सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हमें ये चमचमाती बहुत ही खूबसूरत सी रोड मिली है। यहाँ से अटल टनल का जो रास्ता है वो हो सकता है 20 से 15 या 20 किलोमीटर के आसपास। सामने आप देख रहे हो ना कैंपिंग की सुविधा है, ये जो टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हो तो आप कैंपिंग कर सकते हो। नाइट स्टे भी आपको यहाँ 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा जी। वाओ, हाईवे पे आपको फास्ट फूड भी खाने को मिल जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं। सामने आप वैन्स देख रहे हो, इनके अंदर आपको फास्ट फूड मिल सकता है। चलते हैं, सामने लगता है फिर से चेकिंग करवानी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगने वाला है। सामने आप देख सकते हो एक खूबसूरत सा लंबा चौड़ा ब्रिज है। साथ में आप इस तरफ देख सकते हो आर्मी के लिए ब्रिज है, पहले वो यूज़ हुआ करता था, उसके बाद ये नया ब्रिज बना दिया गया। सामने आर्मी कैंप है, तो यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ अटल टनल के अंदर। भैया जी, इसके अंदर गाड़ी मत रोकना, गाड़ी रोकोगे तो यहाँ से आप सीधा कहाँ जाओगे पता है? मनाली जेल के अंदर, वहाँ की आपको ठंडी ठंडी हवाएं खानी पड़ी, क्योंकि यहाँ का मौसम है जो बहुत ज़्यादा सुहाना है। यह है इंडिया का सबसे मोस्ट एडवांस टनल, जिसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है। यह मनाली से 22 किलोमीटर पहले आता है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, फास्टैग की सुविधा मिलेगी, तो बहुत खूबसूरत अटल टनल। तो भैया जी, अटल टनल से तो निकल चुके हैं बाहर, और अंदर से बहुत ज़्यादा सर्दी ठंड लग रही थी, बट बाहर आके देखा तो क्या देखा, बाहर आने के बाद देखा पीछे का जो मौसम था वो अलग था, और आगे का मौसम है बहुत ज़्यादा अलग। सामने आप देख सकते हो छोटी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, लगता है कुछ ही दूरी के अंदर बारिश आने वाली है, तो लगता है बारिश हमें दर्शन करवा ही देगी। और ये क्या, आगे आगे देखिए बारिश हुई पड़ी है भैया, अब लगेगी ठंड हमें। ओ तेरी, बहुत ही खूबसूरत व्यू इस वक्त मनाली से कुछ ही पहले, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू सामने आप देख सकते हो। बारिश आ रही है साथ के साथ, और साथ में है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग छोटी सी। इस वाटर क्रॉसिंग के अंदर और इस बारिश के अंदर बाइक चलाने का मज़ा बहुत ज़्यादा रहा। भैया ठंड तो लगने लग चुकी है, आप तो बस जल्दी से पहुंच जाते हैं मनाली और रूम ले लेते हैं, जाने के बाद करते हैं कुछ देर रेस्ट। ये क्या, सामने एक और छोटा सा, मेरे को लगता है छोटा ही होना चाहिए, छोटा सा टनल और आ चुका है। तो इस टनल के अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं इस टनल की कुछ खासियत क्या है इसके अंदर। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं अंदर, बढ़ते चलो, कदम चलते चलो। इस टनल के अंदर लाइट नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से जाइए, निकल जाइए। आगे आपको मिलेगा छोटा सा बढ़िया सा रास्ता, सामने आप देख सकते हो खूबसूरत सा व्यू है। का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ पड़ा है। रात के 8:30 से 9 के बीच का समय हो चुका है, और अभी तक हम मनाली नहीं पहुँचे, तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। तो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ होटल के अंदर, क्योंकि थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर करके आज, तो मिलते हैं होटल के अंदर। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मनाली, और हमने मार रोड के पास होटल में रूम ले लिया है। और आज का रास्ता बहुत ज़्यादा टफ था, सड़क नहीं थी रास्ते में कहीं भी, और वाटर क्रॉसिंग बहुत ही ज़्यादा थी, तो पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण बाइक बीच से निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। और आज फिलहाल बहुत थक चुके हैं हम, और हमने अब रूम ले लिया है, आप देख सकते हो फिलहाल रूम बहुत अच्छा मिला हमें। और मनाली के अंदर आप गाइस, ये आप देख सकते हो होटल के बाहर का नज़ारा, और ये सामने होटल है, यहाँ ये पार्किंग लगी हुई है, और आप देख सकते हो एक हमारा रूम ये है जिसके अंदर साथ ही खड़ा है।
और ये रूम मेरा है इस टाइम। ये हमारा साथी सोनू इस टाइम थक गया है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण थक चुके हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं माल रोड पे। नहाकर रेडी होकर सोचा कुछ खा भी लेते हैं, तो माल रोड पे हम आए खाने के लिए मोमोज। तो यहाँ पे हम मोमोज खाएंगे, उसके बाद खाना खाकर हम सो जाएंगे। तो कल यहाँ से निकलेंगे हम होम टाउन श्री गंगानगर के लिए। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के अंदर।